हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप HDFC बैंक में एक वोमेन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं या कोई भी सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए, प्रोसेस सबका सेम है, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वोमेन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद HDFC लिख कर सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ उसको क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ अलग इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में अकाउंट का सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि अकाउंट जो है आपको तुरंत ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अपने अकाउंट का यूज़ करके बिल पेमेंट वगैरह, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद एक ईमेल आईडी इंटर करनी होगी। यहाँ पर पैन नंबर सेलेक्ट करेंगे, पैन नंबर इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई एंड प्रोसीड का नीचे ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। तो चलिए, मेरा OTP आ चुका है, हम उसको इंटर कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड का जो नीचे ऑप्शन है उसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपसे KYC करने के लिए बोला जाएगा। देखिए, KYC के लिए आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आधार कार्ड चूज़ करें, क्योंकि आपको अकाउंट नंबर तुरंत मिल जाएगा और सारा अकाउंट तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ने के लिए बेटर होगा आप हिंदी चूज़ कर लें। उसके बाद सारा टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद एग्री वाला ऑप्शन है नीचे, उसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आधार कार्ड आपने चूज़ किया है तो आधार का नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए, हम अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। डालने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आएगा कि आधार OTP ऑथेंटिकेशन स्कैन, आधार QR कोड। यहाँ पे है कि आधार OTP ऑथेंटिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा उस पे OTP आएगा, या फिर आधार QR कोड स्कैन के लिए कि आपके आधार कार्ड पर एक QR कोड होगा उसको स्कैन कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर यानी आपका जो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर होगा उस पे एक OTP आएगा, उसको इंटर करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपके आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल जो है आपका मिनी KYC के टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अकाउंट का टाइप चूज़ करना है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि मैं वोमेन सेविंग अकाउंट खोल के दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन वोमेन सेविंग अकाउंट का मिल जाएगा। ऐसे रेगुलर सेविंग है उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं, अकाउंट का प्रोसेस सेम होगा। चलिए, मैं यहाँ पर वोमेन सेविंग का जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस सिटी में जो भी आपका HDFC का ब्रांच होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लें, आपके जो नज़दीकी में HDFC बैंक का ब्रांच होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका वोमेन सेविंग अकाउंट ओपन होने वाला है, आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये की रखनी होगी। अगर आप एग्री हैं तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज़ आप चूज़ अनदर अकाउंट टाइप का ऑप्शन है, इसको भी आप क्लिक करके आप अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालने का ऑप्शन मिलेगा। अब इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में फ़ोटो है तो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज़ ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने जिसका अकाउंट खोला उसका जो है फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब आपको प्रीफिक्स में मैसेज रखनी है, उसके बाद नाम में आप उसका नाम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी यहां पर फिर से इंटर कर लेंगे। उसके बाद उसका नीचे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम डालेंगे, स्पोज नेम में उनका जिसका आप अकाउंट खोल रहे हैं उसके हस्बैंड का नाम डाल देंगे आप, उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पैन नंबर आपको ऑटो फिल मिलेगा, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आपको ईमेल स्टेटमेंट चाहिए, यहाँ पे तीनों पे आप टिक लगा देंगे, उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बोल रहा है कि नॉमिनी नेम ऐड करना चाहते हैं, ईमेल स्टेटमेंट चाहिए, यस। उसके बाद रजिस्टर माई अकाउंट फॉर थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन यानी नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के लिए, हम तीनों पे टिक लगा के प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जिसका अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं उसके एक्यूपेशन डिटेल्स डालनी है, एक्यूपेशन टाइप क्या है, जैसे हाउसवाइफ हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड क्या है उसको सिलेक्ट करेंगे, सोर्स ऑफ फंड क्या है, चलिए हम अदर को ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एनुअल इनकम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा सोर्स ऑफ फंड का, उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है कि जैसे यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड का ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपको एक चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड क्या है, हस्बैंड सैलरी का ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में रेसिडेंट टाइप क्या है तो ऑन वाला ऑप्शन जो है उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस का क्या है, रेसिडेंट ही रहने देंगे। उसके बाद एड्रेस एज़ पर योर आधार जो है आपके आधार से ये सारा एड्रेस यहाँ पे ले लिया जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है, ये सारा एड्रेस जो है आपके आधार से रीड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज एवब एड्रेस एज मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को टिक लगा देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और मेलिंग एड्रेस अलग है तो आप उसको फिल करेंगे, मेरा दोनों सेम है तो हम दोनों को टिक लगा देते हैं। उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार कार्ड जो आपने दिया है उसको आईडी एंड एड्रेस दोनों के लिए एज ए डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करना है या ओनली आईडी प्रूफ करना है, तो मैं दोनों पे आईडी एंड एड्रेस प्रूफ दोनों पे सिलेक्ट करके प्रोसीड का नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स डालनी है, नॉमिनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद रिलेशन विथ आपका जो नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है वो यहाँ पे डाल देंगे। चलिए हम यहाँ पे नॉमिनी का डाल देते हैं डिटेल्स, मैं जिसका अकाउंट खोल रहा हूँ उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद रिलेशन क्या है वो हस्बैंड है उसका चूज़ कर लेंगे। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इस पर टिक लगा देंगे, अदरवाइज़ हम उसको फिल करेंगे नीचे। तो हमने टिक लगा दिया, उसके बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, अब आपको केवाईसी एक्सटेंड करनी है। तो केवाईसी एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे सिटी ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लिया, स्टेट सिलेक्ट कर लिया, सिटी ऑफ बर्थ मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन दे रहा है, टैक्स एड्रेस स्टेटस का जो ऑप्शन है उसको तीनों को अनटिक रहने देंगे, किसी पे टिक नहीं लगाना है। उसके बाद सबमिट का जो नीचे ऑप्शन है उसको हम क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो केवाईसी के लिए बोला जा रहा है, वीडियो केवाईसी कैसे होता है मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने लाइव करके दिखाया है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने कट करके उसको वीडियो केवाईसी कैसे होता है मैंने एक दूसरा वीडियो यहाँ पे बनाया है, आप जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं आपको यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का एक मैसेज मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आईएफएससी कोड दे दिया जाएगा। अब आप इस अकाउंट का यूज़ जो है कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।